गाइस व्यू देखो एक बार जंगल के बीच से रास्ता बिहार बॉर्डर जाने के लिए। और गाइस काफी वेदर भी काफी अच्छा है। स्पीड देखो एक बार कार की स्पीड देखो लगभग 100-110-120। गाइस अगर ऐसा रोड मिला तो गाइस 2 दिन में वाराणसी पहुंच जाऊंगा एकदम 2 दिन में अगर ऐसा रोड मिलेगा तो। अरे ब्लॉगिंग में थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह स्टार्ट करके कोई फायदा नहीं, अंधेरा रहता है और मैं 4:30-4 बजे निकल जाता हूँ। आज है तीसरा दिन, काफ़ी बेहतर अभी तक राइड हो रहा है मेरा। और गाइस रोड देखो आप एक बार, काफ़ी माखन रोड। मेरा साइकिल लगभग 30 की स्पीड से चल रहा है, 30। मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से इतना स्पीड। इतना अच्छे ट्रिप के लिए एक लाइक तो बनता ही है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत के फल भी मिलना चाहिए। ये पर एक दिक्कत है, अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटे क्योंकि यार बहुत स्पीड से पंजाब कार वगैरह आ रहा है, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे भी। अगर आप लोग ना होते तो शायद ये ट्रिप नहीं होता। आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा मोटिव है। और एक बात, ये रूट काफ़ी लंबा है, ये जंगल एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा है, करीब 9-10 किलोमीटर के आसपास। तो गाइस आज सुबह सुबह मैं निकल पड़ा हूँ बिहार, आज देखते हैं देहरी तक जाने का प्लान है। और गाइस अभी फिलहाल मैं हूँ बिहार चेक पोस्ट पर, थोड़ी देर बाद मैं क्रॉस करने वाला हूँ बिहार टोल। गाइस आज मैं सुबह सुबह निकल चुका था और टाइम हो रहा था 4:15, और गाइस मौसम काफ़ी बढ़िया है। इस केदारनाथ यात्रा के 4th दिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आप बन रहे वीडियो पर और देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। तो गाइस परसों तक मैं वाराणसी क्रॉस कर जाऊंगा, तो गाइस देखते हैं कैसा रहता है ये जो जर्नी, ये जो ट्रिप केदारनाथ यात्रा के। फिलहाल अभी मैं हूँ बिहार चेक पोस्ट पर, काफ़ी बढ़िया सा व्यू है और ठंडे ठंडे मौसम। तो गाइस फाइनली मैंने बिहार चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया और गाइस यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्लेस है, काफ़ी बढ़िया सा चेक पोस्ट है। गाइस एक और बात आपसे कहना था, तो पिछले वाला ब्लॉग पर मैं जो बताया था कि केदारनाथ यात्रा के लिए हम जो 2 जने थे तो उसका कोई रीज़न है वो नहीं आया, उसका एक काम पड़ गया इसकी वजह से वो नहीं आ पाया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई भी तकलीफ नहीं होगा, मैं निकल करता हूँ अकेले। और गाइस आज 4 दिन होने जा रहा है, काफ़ी अच्छा अच्छा कमेंट्स आप लोगों का, काफ़ी ज़्यादा प्यार और मोटिवेट मिल रहा है। और गाइस अभी तक मेरा लगभग 15-16 किलोमीटर साइकिल राइड हो चुका है आज 4:15 से 5:15 तक अभी टाइम हो रहा है, 5:15। और गाइस रोड देखो एक बार, ये रोड ऐसे ही मिलेगा जब तक देर के बाद थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। और गाइस कल रात को मैंने स्ट्रेक किया था बिहार
बिहार के शहर घाटी वहाँ पर एक गया था और खाना पीना भी तो गाइस होटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वहीं पे कल रात गुजारा और आज सुबह सुबह निकल पड़े। तो गाइस अभी अभी सनराइज हो चुका है और गाइस व्यू देखो एक बार, काफ़ी प्यारा व्यू और इस तरफ भी गाइस क्या ही बताओ, इतना अच्छा मौसम और बाइसाइकिल राइड काफ़ी मस्त। और गाइस अभी यहाँ पे मैं थोड़ी देर ब्रेक लिया था, लगभग 25 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है सुबह से। आज देखते हैं कितना ज़्यादा हो पाता है, अगर 90 तक होता है तो बहुत ही बढ़िया है, कल तक वाराणसी पहुंच जाऊंगा। हमने जो गांव है उसका नाम है मदनपुर, उसके बाद आएगा औरंगाबाद। उसे एक है छोटा सा ढाबा और यहाँ पर मैंने अभी पानी वानी पिए और अब आगे चलते हैं औरंगाबाद की ओर। औरंगाबाद के बाद आएगा देहरी। आज लगभग 11 बजे तक देहरी पहुंच जाऊंगा। देखते हैं ये जर्नी कैसा रहता है आज का। और गाइस पीछे और भी छोटे छोटे बहुत सारे पहाड़ और सूर्यदेव भी अपना काम कर रहे हैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:30 और अभी अभी मैंने औरंगाबाद एंटर किया हूँ और ये काफ़ी बढ़िया सा सिटी है जो कि आप देख सकते हो। और आगे जाके कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद निकलूँगा देहरी के लिए। देहरी ऐसे लगभग 20 किलोमीटर के आसपास होगा।